नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज है 15 अगस्त, तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए आज के वीडियो में जो हम प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं, पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है कि ए की 15 दिनों की औसत आय 70 रुपये है, पहले 5 दिनों की औसत आय 60 रुपये और अंतिम 9 दिनों की औसत आय 80 रुपये है, छठवें दिन की औसत आय क्या होगी। अब कोई व्यक्ति ए है जिसकी 15 दिनों की एवरेज आय कितनी है, 70 रुपये, ठीक है। अब हम इनका योग निकालेंगे तो 15 का गुणा 70 में कर देंगे, तो 15 गुणा जब 70 करेंगे तो 15 सत्ते 105, 1050 रुपये उसकी कुल योग आ गया 15 दिनों की आय का। अब आगे उसने कहा है कि पहले 5 दिनों की औसत आय का एवरेज, तो पहले 5 दिनों का एवरेज कितना है, 60 रुपये। योग कितना हो जाएगा, 60 गुणे 5 करेंगे तो 300 रुपये। फिर कहा अंतिम 9 दिनों की, तो हम अंतिम 9 दिनों की एवरेज निकाल लेते हैं जो कि है 80 रुपये। योग कितना आ जाएगा, 8 × 9 = 72 यानी 720 रुपये। अब ये तो है 15 दिनों का योग, ये है पहले 5 दिनों का योग और यह है अंतिम 9 दिनों का योग, तो हम इन दोनों को पहले जोड़ देते हैं। तो 300 और 720 को जब हम जोड़ेंगे तो 0, 2, 7, 3, 10 कितना हो जाएगा, इन दोनों का योग मिलने निकल के आया 1020। और ये कितनी है, 9 और 5 = 14 दिनों की आय है जिसमें छठवां दिन शामिल नहीं है। तो 14 दिन की आय है 1020 और 15 दिनों की आय है 1050। तो हम जब छठवें दिन की निकालेंगे तो 1050 में से 1020 को माइनस कर देंगे तो कितनी निकल के जाएगी, 30। तो इस प्रश्न का आंसर जो होगा और होगा 30, यानी छठवें दिन की जो औसत आय होगी और होगी 30 रुपये, ठीक है। तो आपने देखा कि कैसे ही सिंपल तरीके से हमने इसको लगाया, और ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।